हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के शेयर के बारे में। तो दोस्तों देखिए, आज 12.65 की क्लोजिंग दी है शेयर ने। आज स्टेबल रहा है, यानी ना बढ़ा है ना घटा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि यहाँ से क्या यस बैंक में कोई तेज़ी देखने को मिल सकती है, कि गिरावट यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। उसके लिए वीडियो एंड तक आपको देखना ज़रूरी है। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो देखिए, काफ़ी दिनों से गिरावट चल रही है और वो गिरावट कंटिन्यू होती जा रही है। अब देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये थोड़ा सा एक ऐसा स्टॉक है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉफिट कमाएगा। पर आप देखेंगे दोस्तों, जो प्राइस अभी यहाँ पे ये मिल रहा है, वो सबसे नीचे पे आ चुका है। करीबन शेयर 13 के ऊपर हर बार देखिए सस्टेन कर जाता था, लेकिन देखिए इस बार 13 का प्राइस भी ब्रेक हुआ, 13 का लेवल भी ब्रेक हुआ, और देखिए उसके नीचे 12 पे आ चुका है अब शेयर। अब दोस्तों, यहाँ पे कॉशियस रहना तो इम्पॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा यहाँ पे अभी भी लगा सकते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म का मतलब एक महीना दो महीना नहीं, कम से कम एक साल दो साल होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, शॉर्ट टर्म में पैसा यहाँ पे कमाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ऐसे शेयर्स में, क्योंकि देखिए इनका जो मूविंग मार्जिन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अब देखिए, शेयर की अगर हम चार्ट पे नज़र डालेंगे आज के, तो देखिए क्या है, 12.75 का हाई बनाया था शेयर ने, वो भी जाते जाते, और देखिए वापस से 12.65 पे आ गया शेयर। अब देखिए यहाँ पे पूरे दिन शेयर कहाँ ट्रेड करता है, ये देखिए इसका एक हर रोज कंसोलिडेशन पे ये मूव करता है। ये देखिए सिर्फ एक ही जोन्स में मूव करता है, ये इतना, यानी आज 12.60 से लगाकर 12.50 तक मूव कर रहा था। तो देखिए सिर्फ इधर ही मूव कर रहा था, तो ये थोड़ा सा देखिए ऐसा है कि देखिए ये कंसोलिडेशन से निकल जाए तब जाके ही बढ़ेगा। अगर इसकी दोस्तों मैं आपको एक महीने की अगर चार्ट दिखाऊं, तो एक महीने में करीबन 12.15% शेयर में आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पे कहाँ से लेवल टूटा है, 14 के लेवल से। अब देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे ख़रीदारी की जा सकती है, क्योंकि देखिए अभी बहुत नीचे मिल रहा है शेयर। क्योंकि देखिए जो मुझे लगता है लेवल्स है, वो एक साल बाद शायद तक टर्न अराउंड हो जाए, और ये 12 के 21 भी हो सकते हैं। बट थोड़ा सा दोस्तों आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। मैं अभी भी कहता हूँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म में पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन देखिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा ऐसे शेयर्स में। अब दोस्तों, अगर हम इसके इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स की बात करें, तो क्या है टेक्निकल्स, अब देखिए टेक्निकल्स पे देखें तो देखिए लास्ट मिनट पे क्या हुआ है। लास्ट मिनट पे एक बाइंग ऐड हुई है, 2 sell 18 buy, ऑसिलेटर्स 2 sell 2 buy, बट मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय विथ नो सेलिंग प्रेशर। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बाइंग अभी भी हो रही है ऐसे शेयर्स में। देखिए इसी लेवल्स पे बाय करने का अच्छा मौका मिल रहा है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। हाँ देखिए, रिस्क 100% होगा ऐसे शेयर्स में। यस बैंक में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या हुआ है, अगर आप कंपनी की स्टोरी देखेंगे तो देखिए कहाँ से नीचे ये 30-40 पे ट्रेड करता था, उसके बाद जैसे ही इन्होंने अपना FPO लॉन्च किया, फिर देखिए उससे शेयर्स में एक डाउनफॉल देखने को मिल गया, और देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्शन देखने को मिला है पिछले एक साल के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों अब आपको वेट करना पड़ेगा, उठेगा यस बैंक, क्योंकि देखिए यस बैंक ने अपना डेट भी पे कर दिया है इस बार का। और देखिए अब मुझे लगता है थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, यहाँ पे आपको ये तेज़ी करता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, इसकी अगर हम और देखें टेक्निकल्स पे, तो क्या है स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस। तो देखिए जो लेवल्स होंगे शेयर के, वो देखिए फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 12.53, यानी अगर देख लीजिए अगर 12 के नीचे ट्रेड कर लेता है शेयर, तो फिर आपको एग्जिट कर लेना है। क्योंकि देखिए 12 के नीचे अगर ट्रेड हुआ, तो यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर ये शेयर ने 13 के ऊपर फिर से जाता है और सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको दोहराऊंगा कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर भी करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।